इसलिए कहा था मत कर मजाक। लाइक में ना कभी कभी कुछ इमरजेंसी भी होती है, लेकिन नहीं जय मित्तल को तो किसी की सुननी नहीं है। अब देख क्या हाल हो रहा है बेचारी का। हाँ ठीक है लो भाई, लेक्चर मत दे, हेल्प कर, हम उसको घर बचाना। बोला है तेरे को 20 मुंबई आया कर सारे बाप लोग। हाँ तू तो दिल्ली का सीएम है ना, वो लोग तेरी बात मानेंगे? मानेंगे, जरूर मानेंगे। तुम उसे काम करिए, ये बात ना पूरे ऑफिस में फैला दे। और हाँ मायरा तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। तू श्योर है ना? ऑफिसली मैं श्योर। तू जाना काम कर, जल्दी फैला। गाइस तुम लोगों ने ये वीडियो देखा? आध्या के घर पे कुछ लोग बुलडोजर चला रहे हैं। ऐसे कैसे कोई आध्या का घर तोड़ सकता है? हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। मगर हम क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत गलत हो रहा है आध्या के परिवार वालों के साथ। माहिरा, माहिरा आई थिंक हमें आध्या की हेल्प करनी चाहिए। ये गॉसिप बंद करो एंड नाउ गेट बैक टू वर्क। भैया आप क्या करें, मैम ने तो हेल्प करने से मना कर दिया। हम आपके सारे पैसे दे देंगे, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। हाथ में जोड़ लोगों के सामने। अरे ड्राइवर कहाँ है? करते पे हो पाजी, जान देनी हो, ऐसा कुछ गैर कानूनी है। बिना कोर्ट के ऑर्डर के किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते आप। बीपी अगर फोटो इंटरनेट पे आ गई ना तो जेल हो जानी है। मैडम बार बार फोन किए जा रही हैं। हाँ तो मुझे दो ना, मैं बात करता हूँ कि मैडम जी से। नहीं तो एक सेकंड, मेरा भी फोन। हेलो भाई। भाई वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक तो चल रहा है, पर सब कुछ परमानेंटली ठीक करना पड़ेगा। तूने एक आइडिया आया, वो मेरा बाहुबली वाला आइडिया ना। मीडिया हाउस की एक एम्प्लॉई हुई घर से बेघर, इतनी बड़ी बात से क्या कंपनी की ओनर माहिरा सच में अनजान है या फिर अपने एम्प्लॉयज की उन्हें कोई परवाह नहीं है? Who the hell is this बाहुबली? और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई राइट अ पोस्ट लाइक दिस? मैम आपने वो बाहुबली वाला पोस्ट पढ़ा? यस मैम, इस पोस्ट से हमारी कंपनी के रेपुटेशन पे बहुत असर पड़ेगा और मैम लोग सोचेंगे कि आपको सिर्फ अपने काम और सक्सेस से मतलब है, अपनी टीम से नहीं। एंड मैम वो जय का गोवा वाला पोस्ट, मैम इट वाज अ प्रैंक। आध्या को सच में आपकी हेल्प चाहिए थी। एंड मैम जय के मजाक की वजह से इस कंपनी और आध्या को क्यों सफर करना पड़े? जय ने आध्या के साथ साथ मेरे साथ भी प्रैंक किया। मैम डिड यू सी दिस? हमारी कंपनी वेबसाइट पे आध्या के ब्लॉग पर फॉलोवर्स का काउंट बढ़ता ही जा रहा है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में आप फोन या कंप्यूटर का एक बटन दबाकर हजारों दोस्त बना लेते हैं, लेकिन क्या उन हजारों में से एक भी ऐसा दोस्त है जिसके सामने आप अपना दिल खुली किताब की तरह रख सके? भैया आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बुलडोजर चलाने के पैसे मिले हमें, घर तो तोड़ना पड़ेगा। हाँ कब से प्यार से समझा, तेरा समझ नहीं आ रही क्या? घर तोड़ दूंगा, घर तोड़ दूंगा। सुन
हर इंसान के लिए ना उसका घर उसका मंदिर होता है। मंदिर तोड़ेगा तू? मंदिर तोड़ेगा? चुपचाप यू टर्न ले और निकल ले, नहीं तो ऐसी हालत करूंगा ना कि 7 महीने तक शक्ल नहीं देख पाएगा अपनी। माहिरा मैम आ गई। मैम आप यहाँ पर? आध्या ये तुम्हारी एडवांस सैलरी है, इन्हें देके अपना घर बचा लो। So much, ma'am. Thank you so much. Tanisha, contract? Adhya? ये तुम्हारा contract है। Company तुम्हारे साथ 2 साल का contract कर रही है। So congratulations. Thank you so much. Adhya, ये सब 1 घंटे में sort करके office आ जाओ। Yes, ma'am. All right. Tanisha. Papa, तुम्हारा घर बच गया papa. और मेरी नौकरी भी परमानेंट हो गई। ये लीजिए आपके पैसे। सिकंदर चलो। यूं ही नहीं कहता लोगों से, मेरी बच्ची जो है ना वो गुरूर है मेरा। डन काम, डन डन डन। नहीं मैडम, ये लीजिए 10 गुना किराया जो आपने मांगा था। उस फटीचर फैमिली के पास ये 10 टाइम्स किराया कहाँ से आया? मेहरबानी वाली कोई बात नहीं लो भाई, बस जरा सी हेल्प करिए क्योंकि ये मैटर सॉल्व हो सके। और प्लीज किसी को ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि सब ड्रामा मैंने किया, जिससे हमारे इन लोगों की हेल्प कर सके। व्हाट, ये सब जय ने किया? वो आया मुझे इस सिचुएशन से बचाने। ओह ही सो स्वीट। और वैसे भी जब तक मेरा मिस से अप्पा से स्कोर इक्वल नहीं हो जाता ना, झगड़ा नहीं सोल्यूशन होगा। Congratulations, Adhya. Thank you. तुम्हारा ब्लॉग बहुत अच्छा था। Thank you so much. Oh wow. Adhya Verma, the famous blog writer. Welcome. Welcome. Check it out. What? इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, हो जाता है यार कभी कभी, है ना? जाओ काम करो, जाओ। Hey anyway, जय मित्तल ना ट्रेंड सेटर है। मैं जो करता हूँ ना पूरी दुनिया फॉलो करती है, स्पेशली गर्ल्स। क्या गर्ल्स? Yeah, I know. लड़कियां ही नहीं कि मम्मियां भी तुम्हें इक्वली फॉलो करती हैं। बहुत मजाक उड़ाना आ रहा है ना मेरा, है ना? हेलो शोई, लुक आई लाइक यू बेबी। ऐसे मैसेजेस ना मुझे रोज आते हैं सोशल मीडिया पे। सी गर्ल्स आर क्रेजी फॉर मी। देखो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। आई लाइक यू टू बेबी। लेकिन तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुम इतनी बोरिंग टाइप हो ना, यू कांट अंडरस्टैंड।
मतलब बिना जाने समझे तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़की को पसंद कर सकते हो? हाँ तो क्या 16th सेंचुरी की तरह 50 साल लगा दूं बोलने में? कबूतर यहाँ चिट्ठियां बांटूं? या पता चले जब तक मेरे बोलने का टाइम आया तब तक लड़की मुझे टाटा बाय बाय बोल के निकल ली, इन केस ओवर। से बात करना मतलब दीवार में सर मारो। ओके। जो इंसान इंटरनेट की झूठी दुनिया को अपनी असल जिंदगी मानता हो, yeah. उसे ही अपना अस्तित्व मानता हो, वो कभी फीलिंग्स और इमोशंस को तो समझेगा ही नहीं। या कैरी ऑन कैरी ऑन। वो किसी के साथ खुशियां बांट सकता है और ना ही उनका एहसास होगा उसे। और कोई लाइन बची है तो वो भी बोल जाओ। जय, माहिरा मैम तुम्हें बुला रही है। जय, yes? इस महीने तुम्हें एडवांस सैलरी मिलेगी। थैंक यू सो मच माहिरा। वैसे इस फेवर की क्या जरूरत थी? एनवेलप देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। Maybe a surprise for me. माहिरा शायद कोई गलती हुई है, ये तो मेरी आधी सैलरी का चेक है। यस, आधी सैलरी आध्या वाले प्रैंक के लिए डिडक्ट की गई है। बट माहिरा मैंने तो कुछ। That will be all, Jay. Thank you. मैंने इस मिस स्यापा की हेल्प करने की कोशिश की लेकिन ये किसी भी हेल्प के लायक ही नहीं है। अब वक्त आ गया है स्कोर सेटल करने का। तुम्हें अपनी मन मर्जी करने की इजाजत क्या दी? तुम तो गुंडागर्दी के ऊपर आए। क्या सोचकर उस मकान के ऊपर बुलडोजर चलवा रही थी? आप ही ने तो कहा था इस बैटर को फास्ट फास्ट खत्म करना है। अरे फास्ट फास्ट खत्म करने का तरीका ये तो नहीं है कि किसी इंसान की जान को जोखिम में डालो, उसका घर उजाड़ दो। रूपा बहू देख लो, अब सत्ता तुम्हारे सर पर चढ़ रही है। अगर इसे नहीं संभाल सकती तो बता दो, मैं किसी और को दे देता हूँ। नहीं 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 बहुजी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इस बैटर को हैंडल करूंगी। आखिरी मौका दे रहा हूँ रूपा बहू, आइंदा ये बेवकूफी की तो चुपचाप चाबियां मेरे कमरे में दे जाना। बस ये सब कुछ उस पालिका बाजार की चप्पल की वजह से हो रहा है। हाँ हाँ सैवी, शाम को केक तुम्हारे घर पर ही काटेंगे और वही सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारा बर्थडे। चल बाय। अच्छा तो आज ये मिस स्यापा मेरी नेबर सैवी के घर जाने वाली है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बैब्स। ये रहा गिफ्ट। ओह माय गॉड, वाह कितना प्यारा टॉप है यार। थैंक यू सो मच। अच्छा एक काम कर, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट अदरक वाली चाय ले आती हूँ। ओके। इस टाइम तनिषा का मैसेज। इमरजेंसी है, अभी के अभी ऑफिस पहुंचो, माहिरा मैम के ऑर्डर है। अचानक क्या हो गया? अब सैवी सुन, मुझे अभी ऑफिस से बहुत अर्जेंट मैसेज आया, मुझे जाना पड़ेगा। अब आएगा मजा। तुम्हारी वजह से मेरी आधी सैलरी कटी थी ना, अब तुम्हारी बारी मिस स्यापा। मुझे पता ना सैवी, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती, लेकिन ये मीटिंग बहुत अर्जेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ तो मना कर देती ना, मैंने कितने सारे प्लान्स बनाए थे, सब फ्लॉप हो जाएंगे। मुझे पता है सैवी, लेकिन बहुत अर्जेंट है। अच्छा आई प्रॉमिस, इस संडे को मेरा सारा टाइम तेरा और हम तेरा बर्थडे और भी अच्छे से मनाएंगे। ओके चल बाय। ओके बाय। चल ठीक है बाय। ओके सैवी सुनिए, डोर क्यों नहीं खुल रहा है? लगता है फिर से अटक गया होगा। जल्दी खोलते, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। पता नहीं यार अब कैसे खुलेगा। मैं और वेट नहीं कर सकती। ये तुम्हें पता तभी तो मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ,
तुम्हारे बिना ना किसी चीज में मन लगता है, ना दिल लगता है, ना कुछ याद आता है, ना कुछ। एक्चुअली मॉम बुला रही है, मैं तुम्हें 5 मिनट कॉल बैक करता हूँ, ओके? या लव यू, बाय। ओह, तो ये बालकनी से नीचे उतरने का प्लान बना रही है, क्योंकि मैंने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। तेज आ रही है तो शादी से हुई दुल्हन फरार, क्या हो रहा था उस पे कोई जुल्म, या करती थी वो किसी और से प्यार? भैया भैया सऊदी ले चलेंगे जी, थोड़ा जल्दी चलो। मैं समझता हूँ मैडम, आपकी जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वरना इस तरह कोई रात में शायद ही नहीं। भैया काम है, आप प्लीज थोड़ा जल्दी चल सकते हैं? अपनी शादी से भागना भी भला कोई काम होता है? वाह जय वाह, ये प्रैंक तो तेरा आज तक का सबसे बेस्ट प्रैंक होगा। अभी तक 1 लाख व्यूज आ भी गए इस वीडियो पे। Not bad, nice. ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हैं? ओके मिस्टर अग्रवाल, कल सुबह 9 बजे तक हमारे साइट पे आपका आर्टिकल आ जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू। लिसन अप एवरीवन, कल सुबह 9 बजे तक हमें अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लाइव करना होगा। गॉट इट? आगे काम है? यस मैम। उस आर्टिकल के कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं। यस। सबसे पहले तो तुम्हें ये लिखना है कि ओए मेरे हीरो, आज बड़े दिन बाद तेरे दांतों की मसूड़े वाली स्माइल दिख रही है। इसकी वजह से देख, ये वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। एक लड़की अपनी शादी से ही भाग गई। कमाल यार, बड़ी डेयरिंग लड़की है, अपनी शादी से। एक मिनट, ये तो वही लड़की है ना जिसने तेरे मुंह पे पानी फेंक के मारा था? आद्या, आद्या, ये देख। क्या नहीं बस उड़ी है, क्यों उसकी लंका लगाए पड़े हो तुम? अबे ओ लुगाई, तू मेरा दोस्त है, उसका वकील। अबे हूँ तो तेरा ही दोस्त। तो दोस्त है ना, तो दोस्त की खुशी में खुश होना सी। मिल गई शांति तुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद की तो की, अब मेरी बेटी के पीछे पड़ जा तू? अरे हद हो गई, ऐसी कौन सी जगह पर रिश्ता तय करवाया तूने जबरदस्ती उसका? मेरी बेटी ऐसी हरकत कभी नहीं करती। वो क्या किया तूने उसके साथ, बता मुझे। मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुझे बड़ा पता है? हाँ मुझे पता है, मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन हो गई है। तू फोन कर आतू को अभी। हाँ। अभी वही हमें सच्चाई बताएगी। पिछले 5 सालों में कंपनी की प्रोग्रेस मेंशन करना मत भूलना, और उनका की पॉइंट ये। सॉरी मैम। यस, उनकी सक्सेस स्टोरी के पीछे उनकी टीम और उनकी फैमिली का सपोर्ट। यस मैम। लिसन आदिया,
इस ऑफिस में एक डिसिप्लिन होता है जिसमें एक रूल ये भी है कि नो पर्सनल फोन कॉल्स इन द ऑफिस। यस मैम। एंड लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, काम के बीच अगर इतना डिस्ट्रैक्ट होगी तो आगे कामयाब कभी नहीं बन पाओगी। नो नेम नो फेम। मैम आध्या को इस सब की जरूरत ही नहीं है, शी इज ऑलरेडी सो फेमस। Don't tell me you haven't seen these videos. You really need to check this out. देख रहा जो शायद किस्मत को ना यही मंजूर था कि मिस स्यापा को आरजे जय फेमस बनाए, बस उसको सामने वाली बालकनी से कूदते हुए देखा और उसका वीडियो अपलोड कर दिया। मैं तो सिर्फ बालकनी से नीचे उतर रही थी, आखिर किसने बनाया होगा ये वीडियो? कौन कर सकता है मेरे साथ ऐसा? सोशल मीडिया से दूर भागने बहुत शौक है ना इसे, तो मैंने सोशल मीडिया को इसके पीछे भगा दिया।